वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल Essentials by Sara. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू विल नेवर एवर मिस माई एनी वीडियो. सो आई एम सारा मेकिंग वीडियोज़ रिलेटेड टू मेकअप एंड जो मुझे चीज़ें पसंद हैं मैं उनकी वीडियोज़ बनाती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ. तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम बैक. और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन अभी तक मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया मुझे तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए. इसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी और स्क्रीन पे भी आ जाएगा विच इज़ एक्सक्यूजेड सारा ब्लॉग. तो आपको मुझसे ज़्यादातर इंटरेक्ट करने का मौका मिल जाएगा. सो आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. आज की वीडियो जो है वो मिस रोज़ फाउंडेशन पर है और मिस रोज़ ब्रांड्स का फर्स्ट इंप्रेशन है. ऑल्दो मैं मिस रोज़ फाउंडेशन की वीडियो का रिव्यू कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं. ऑल दो वो वाली जो हमारे पास फाउंडेशन थी वो थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी की थी और जो मेरे उसके ड्रॉबैक थे वो ऑक्सीडाइज भी हो रही थी. अब जो फाउंडेशन मैंने दराज से मंगवाई है उसका नाम है मिस रोज़ प्योरली नेचुरल फाउंडेशन. अगर आप देख सकते हैं तो ये इस तरीके की है. द पैकेजिंग इज़ अमेजिंग, लाइक आई जस्ट गिव 10/10. और मेरा जो शेड है वो बेज 2 है. मेरा शेड जो था इसकी जो थिक कंसिस्टेंसी वाली फाउंडेशन थी उसमें भी मेरा शेड बेज 2 था और इसमें भी बेज 2 है. ये 24 मंथ्स की इसकी एक्सपायरी है. इसमें इसकी तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं. ये चाइना की बेसिकली प्रोडक्ट है और इसके इन्ग्रीडियंट्स वगैरह भी तमाम यहाँ पर मैंशन हैं. और इट कंटेन्स पैराबेंस ऑल्सो, सो दिस इज़ नॉट अ पैराबेन फ्री ब्रांड ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी प्राइस में आपको इतना ही मिलेगा. सो इसको खोलते हैं. पैकेजिंग वाइज द कार्डबोर्ड विच यूज इन इट्स पैकेजिंग इज जस्ट अमेजिंग. तो अंदर से आप देख सकते हैं कि ग्लास बॉटल है. ग्लास इज नॉट दैट मच रेजिस्टेंट टूवर्ड्स ब्रेकेज, लेकिन ये है कि ये अच्छी क्वालिटी का ग्लास है. ग्लास बॉटल का एक ड्रॉबैक ये होता है कि लाइक आई एम वेरी क्लेमजी पर्सन, मैं चीज़ें गिराती रहती हूँ. तो इससे ये होता है कि इफ़ आई ड्रॉप दिस आउट तो किरची किरची हो जानी है. सो या लेकिन आपको एहतियात से इस्तेमाल करनी होगी. इसकी प्रीवियस वाली जो थी फाउंडेशन वो प्लास्टिक ट्यूब में थी विच इज़ समवट लाइक कंसिस्टेंसी ऑफ कंसीलर, लेकिन ये रनी कंसिस्टेंसी की लग रही है मुझे. और प्योरली नेचुरल फाउंडेशन है और इसका जो ml है वो यहाँ पे है 30 ml. सो इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी मैं लगाऊंगी. उससे पहले जो है वो हम चलते हैं प्राइमर की तरफ. तो मैं प्राइमर जो लगाऊंगी वो मैं केराटी का 24K गोल्ड प्राइमर लगाऊंगी. इस प्राइमर की अच्छी बात यह है कि इसमें सीरम भी है और प्राइमर भी है. तो जब आप फेस वॉश करके आते हैं और आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि ऑयल रिड्यूस हो गया है तो ये जो है ऑयली स्किन के लिए बेस्ट मॉइस्चराइज़र है. तो इसको जो है मैं लगाऊंगी और लीव दिस फॉर 2 मिनट्स. हमेशा प्राइमर लगाने के बाद 2 मिनट जो है अपनी फाउंडेशन को स्टिक होने के लिए रेस्ट दिया करें. ओके गाइस, तो प्राइमर लगा चुकी हूँ मैं और इसके बाद मैं मिस रोज़ की फाउंडेशन लगा रही हूँ. थोड़ा सा पहले मैं शेक कर लूँगी क्योंकि रनी कंसिस्टेंसी की है और द पैकेजिंग इज़ अमेजिंग. अंदर से बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर है और ये बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है क्योंकि 2-3 पंप में आपको एयर आती है फिर उसके बाद प्रोडक्ट निकलना शुरू होती है. तो मैं इसके काफ़ी ज़्यादा मैं कर रही हूँ ताकि प्रोडक्ट निकल आए. अब प्रोडक्ट निकलना शुरू हुई है तो मैंने 1 पंप लिया है आपके सामने. मैं दिखा दूँ 2, मैंने तकरीबन जो है यहाँ पे 2 से 3 पंप लिए हैं तो दैट वुड बी लाइक काफ़ी सही रहेंगे. और इसके साथ साथ मैं ब्यूटीफाई बाय आमला का कबूकी ब्रश यूज़ कर रही हूँ. सबसे पहले जो है द कंसिस्टेंसी, अगर आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी तो इट्स क्वाइट थिक, इतनी ज़्यादा रनी नहीं है क्योंकि ये देखने में लग रही थी रनी हो. ये समवॉट जो है उसी कंसिस्टेंसी की है जैसे पहले मिस रोज़ की फाउंडेशंस जो मैंने लगाई है, ये मुझे उसी कंसिस्टेंसी की लग रही है. ऑल्दो कलर जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और कवरेज आप देख सकते हैं, ओ माई गॉड. मुझे लग रहा था कि रनी कंसिस्टेंसी की होगी, हालांकि मैंने सिर्फ 2 पंप लिए हैं एंड यू कैन सी द कवरेज, जस्ट लाइक अ पेंट लग रहा है ये. इस वक्त काफ़ी थिक है ये फाउंडेशन. इसको पहले मैं अपने हाथों से जो है वो अच्छी तरीके से ब्लेंड आउट कर लूँगी. ओके गाइस,
गाइस, सो अब आप देख सकते हैं मैंने इसे कबूकी ब्रश से लगाया है, क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा थिक है तो आपको जल्दी जल्दी ब्लेंड आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको बाद में किसी भी स्पंज से, ये छोटा एक स्पंज है इससे जो है मैं अंदर डैप की तरफ डैप कर लूँगी, तो जो जितनी एक्सेस है या जो सही से इवनली जो है वो फाउंडेशन नहीं लगी है तो वो अच्छी तरीके से स्किन के अंदर सिंक इन हो जाएगी। और फिर अब डिटेल में बात करेंगे इसके फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में, ऑल्दो दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट इम्प्रेशन, और ये भी देखेंगे कि ये ऑक्सीडाइज होती है या नहीं होती, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ के ऑक्सीडाइज होने का देखना है तो वो ऑक्सीडाइज विद इन 15 to 20 मिनट्स में ही ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि आपका जो शेड है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। आई थिंक नाउ इट लुक्स परफेक्ट ऑन माई स्किन। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊँ तो दिस फाउंडेशन इज़ एक्चुअली रियली वेरी गुड, और ये अच्छा, मैंने अभी कोई कंसीलर नहीं लगाया है लेकिन इसने एज सच एक कंसीलर का भी काम कर दिया है, और उसके साथ साथ काफ़ी अच्छी कवरेज भी है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी और जस्ट 2 पम्प्स ही लिए थे, तो उसके साथ साथ आई हैव समवॉट पिगमेंटेशन ओवर हेयर, जिससे ये पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक इसने कवर करी है। सेकेंडली ये है कि आई हैव वेरी थिन आईब्रोज एज यू कैन सी, तो अगर वो आईब्रोज ये काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी के जो आईब्रोज पे लग जाती हैं तो आईब्रोज को भी कवर कर लेती हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज आई हैव अ पिम्पल ओवर हेयर, जिसको इसने लाइक स्लाइटली छुपाया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं छुपाया, तो अब देखते हैं कि एज अ कंसीलर भी वर्क करेगी या नहीं। तो इसका मैं बहुत थोड़ा सा एक लिटिल अमाउंट लूँगी, जस्ट इतना सा आप देख सकते हैं, और इसको मैं एज अ कंसीलर लगा के देखूंगी कि ये जो स्पॉट्स हैं या आपका एज अ कंसीलर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ऑल्दो इसने काफ़ी हद तक जो है वो कंसील कर लिया है। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि द पिम्पल इज़ जस्ट वैनिश। सो गाइज, आई एम ग्लैड कि ये फाउंडेशन एज अ कंसीलर भी काम कर रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे यहाँ लगाया था और अब जो है वो मेरा पिम्पल जो है वो बिल्कुल इनविजिबल हो गया है, और मैंने इसे आईज पे लगाया था अपनी, इसने काफ़ी अच्छा काम किया है और डार्क सर्कल्स को सबको रिमूव कर दिया है। अब आई थिंक मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरत है इस जस्ट टू चेक इट आउट, मैं थोड़ा सा ये लूँगी पंप में और इसको तो मेरे माउथ के आगे जो थोड़े से डार्क पैचेस हैं उसको मैं सही करने की कोशिश करूँगी। ओके, इट एक्चुअली वर्क्स आउट, और ये अब लगने के बाद बिल्कुल मेरे स्किन के मुताबिक इसका कलर हो गया है और कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं लग रही। ऑल्दो जब मैंने लगाया था आई थॉट माई फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज इट जस्ट यू नो लुक लाइक अ पेंट, लेकिन अब जब ब्लेंडिंग हो गई है तो आप देख सकते हैं आई डो नॉट अप्लाई एनी कंसीलर, सो दिस इज़ लाइक वंस व्हेन यू अप्लाई दिस फाउंडेशन यू डो नॉट नीड टू अप्लाई एनी कंसीलर, बिकॉज अगर आप देख सकते हैं अगर आप उसे ही एज अ कंसीलर लेके लगाएंगे इसी फाउंडेशन को तो दिस फाउंडेशन वर्क्स एज अ कंसीलर। सो आई थिंक ये ड्यूप है जो अपनी मिलाने की कंसील एंड डिफाइन फाउंडेशन है, या कंसील फाउंडेशन जो मुझे अभी सही से नाम याद नहीं आ रहा, ये उसका मुझे ड्यूप लग रही है। एंड मैंने अभी अपना जो फेस है वो किसी पाउडर से सेट नहीं किया, और आप देख सकते हैं कि इट लुक्स फ्लॉलेस, ऑल्दो जो है वो मैं ये भी देखूंगी इसके साथ साथ कि ये स्वेट प्रूफ है या नहीं है, मतलब वाटर प्रूफ है या नहीं है। वाटर प्रूफ होने की एक निशानी यही होती है कि अगर आपको पसीना आता है तो पसीना जो है वो उसके अंदर मेल्ट नहीं होता, फाउंडेशन को उतारता नहीं है, बल्कि पसीना जो है वो उसके ऊपर ही जमा हो जाना शुरू हो जाता है, जैसे आपकी स्किन के ऊपर आता है, तो उसको भी अभी हम चेक कर लेंगे। ओके गाइस, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने कोई पाउडर नहीं लगाया है, तो ये मेरे ख्याल में जो ये फाउंडेशन नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए अच्छी है। इफ़ यू हैव सुपर ड्राई स्किन तो आप इससे पहले कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें। तो अब जो है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, मैं इसे थोड़ा सा पाउडर से सेट करती हूँ। ओके, सो एक और ट्रिक दे दूँ, इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ योर लूज पाउडर या आपको अपना फेस पाउडर नहीं मिल रहा है, आपको फटाफट सेट करना है,
यू कैन टेक एनी बेबी पाउडर, आई हैव बेबी माइल बेबी पाउडर, आप जॉनसन्स का भी ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि ये बेबी पाउडर हो जो बाहर के बेबी पाउडर से लेके जो बाहर के बेबी पाउडर्स हैं जैसे जॉनसन हो गया या बेबी माइल्ड हो गया, तो इनका जो पार्टिकल साइज होता है पाउडर का वो बहुत स्मॉल होता है, वो एब्जॉर्ब अच्छा हो जाता है. तो ये दीज आर नन द लेस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लूज पाउडर, कॉस्मेटिक लूज पाउडर. तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा फेस जो है इससे सेट भी कर लिया है मैंने और एक्सेस को टैप ऑफ भी कर दिया है. और जो है वो द फाउंडेशन अब बहुत ज़्यादा मैट इफेक्ट दे रही है, पहले थोड़ा सा ड्यूई भी दे रही थी, लेकिन अब सेट करने के बाद अगर मैं करीब से आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी जो है वो मैट इफेक्ट दे रही है. बट आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्प्रेस कि इसकी कवरेज कितनी अच्छी है, बिकॉज आई एम लाइक अ पर्सन हु हैव हैड माइल्ड टाइप ऑफ पिम्पल्स. मेरे अक्सर फेस पे पिम्पल्स हो रहते हैं और कभी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत जैसे गर्मी दाने आप कह सकते हैं वो एक्चुअली हो जाते हैं गर्मियों में मेरी स्किन पे. तो ये जो है जिनकी एक्नी या पिम्पल प्रोन स्किन है, मतलब जिनको ब्रेकआउट्स होते रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी और फुल कवरेज फाउंडेशन है. तो अब ये चेक करना है मुझे कि ये कितनी देर तक लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि अभी मैंने दिन में फाउंडेशन लगाई है और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 3 बज रहे हैं. तो अब हम देखते हैं कि ये फाउंडेशन कितनी देर तक लॉन्ग लास्ट रहती है मेरी स्किन के ऊपर, और उसके साथ साथ इसमें कोई ब्रेकेज तो नहीं आता. ये मुझे चेक करना है, उसका वेयर टेस्ट करना है. सो यार देखते रहिए मेरी वीडियो को. ओके गाइस, सो अब जो है वो तकरीबन आई गेस 1 घंटा हो गया है मुझे फाउंडेशन लगाए हुए, और ये बिल्कुल स्वेट प्रूफ फाउंडेशन है क्योंकि अभी मेरा फ़ैन ऑफ है और यहाँ पे भी एसी नहीं है. तो आप देख सकते हैं कि द कंडीशन ऑफ स्किन इज़ जस्ट फ्लॉलेस, और वाटरप्रूफ है तो पसीना ऊपर ही जाता है, मेल्ट नहीं हो रही है, और एकदम से आपको लग रहा था कि आपने पेंट लगा लिया, लेकिन अब आप देखें ये मेरी स्किन में सिंक इन होती जा रही है. तो ये थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज होती है, तो अब आपको जब आपको लगेगा कि आपने बेस टू लिया है तो मुझे लग रहा था ये बहुत ज़्यादा डार्क है, लेकिन वो नहीं था. अब जाके विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी स्किन में सिंक हो रही है, जो कि अच्छी बात है. इसे पूरा हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो रही है, लेकिन एट दैट टाइम जब आप लगाते हैं तो ये शेड आपको ज़्यादा लगता है, लेकिन वो बाद में आपकी स्किन के मुताबिक हो जाता है, जैसा कि अभी मेरा हो गया है. तो या आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस फाउंडेशन. बहुत ही सस्ती है ये, आई गेस 360 की मुझे मिल गई थी, 35 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस थे. मैंने दराज से मंगवाई थी, जहाँ से जिस सेलर से ऑथेंटिक मैंने मिस रोज के तमाम प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं और ये तमाम सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स किए हैं मिस रोज के जस्ट फॉर यू गाइज. तो मैं आपकी आसानी के लिए इन तमाम सेलर्स के लिंक जो भी मैंने दराज से ऑर्डर किए थे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो या वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. डोंट फॉरगेट टू मे फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एक्सक्लूसिव सारा ब्लॉग. और अगर मैं इसके कौन की बात करूं, प्रॉस तो उसके काफी सारे अच्छे हो गए. कौन इसका एक ये है जो इसकी खामी या आप जो कह रहे हैं इसकी डिसअप्रोप्रिएट थिंग है, वो ये है कि थोड़ी सी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि नोज पे थोड़ी सी क्रैक हो गई है, हालांकि अभी 1 घंटा हुआ है, तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप जो है वो प्रायर टू अप्लाई फाउंडेशन आप कोई भी जो है वो मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पे लगा लें. ऑल दो आई हैव सुपर ऑयली स्किन, लेकिन उसके लिए भी मैंने जो है वो ये प्राइमर लगाया था, विच इज़ लाइक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर भी है. अगर आप ड्राई स्किन पीपल हैं तो आप अच्छी तरीके से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के बाद ये फाउंडेशन लगा सकते हैं, देन यू आर गुड टू गो. सो इतने प्राइस में और इतनी अमेजिंग फाउंडेशन है, मुझे इसकी स्मेल में भी कोई खास मसला नहीं. ऑल दो जो मैंने वेट एंड वाइल्ड की ली थी वो बहुत अच्छी फाउंडेशन है, तो इसकी स्मेल नहीं अच्छी, तो और इसकी मुझे स्मेल भी कोई इतनी बुरी नहीं लगी. इसकी स्मेल भी नॉर्मल जैसे होती है फाउंडेशन की वैसी स्मेल है, एंड आई एम ग्लैड कि ये इतनी चीप प्राइस है इतनी अच्छी फाउंडेशन को देख के. क्योंकि अगर आप कोई भी फाउंडेशन लेंगे, इवन मैंने एसेंस की फाउंडेशन ली थी, वो बिल्कुल भी मतलब बहुत बिगनर्स के लिए अच्छी थी, लेकिन वो भी आपको 800 की मिलती है जो इतनी खास इफेक्ट नहीं देती. तो ये जैसी फाउंडेशन और इतना फ्लॉलेस और इतनी अच्छी कवरेज के साथ, विच इज़ अ बेस्ट पॉइंट. तो आई होप आपको मेरा कंप्लीट रिव्यू अबाउट दिस फाउंडेशन अच्छा लगा होगा, जो कि प्योरली नेचुरल फाउंडेशन हो. ये लगाने के बाद बहुत नेचुरल लगती है, इससे लग नहीं रहा कि मैंने अपनी स्किन पर कुछ लगाया हुआ या हैवी या केकी फील हो, विच इज़ रियली वेरी गुड. ये क्लेम बिल्कुल सही है इनका. तो या आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस फॉर यू. और इसके काफ़ी सारे शेड्स हैं, उसके भी मैं आपको शेड कार्ड यहाँ लगा दूंगी ताकि आपको आसानी हो जाए. सो मेरी सीरीज की तमाम वीडियोस देखिएगा जो बैक टू बैक मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी. सो या अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी अच्छी और फायदेमंद वीडियो में. टिल देन अल्लाह हाफिज़.
Thank you.